हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सुपर साकेत में। मैं हूं आपका होस्ट साकेत, जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है सुपर साकेत। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इताची उचिहा के कुछ फैक्ट्स के बारे में। ऐसा फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता हो। जिन लोगों ने भी नारूटो देखा है वो इताची के कैरेक्टर से काफ़ी इंस्पायर हुए थे, उसकी स्टोरी लाइन क्या कमाल की थी। तो आज हम इताची उचिहा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं फैक्ट नंबर वन पे। हमारा जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि इताची का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट डांजो को दे दिया गया था। जी हाँ, जो नारुतो के राइटर है मासाशी किशिमोटो, उनके हिसाब से इताची को उन्होंने सबसे पहले बनाया था ओम्बू के लीडर के तौर पे। और उसका जो ड्रेसअप सेंस था, इताची अपने सिर पे लीफ विलेज का बैंड पहनता था और उसका जो टी शर्ट था वो फुल बॉडी में टाइट टी शर्ट था। देन आफ्टर वो अपने कमर में अपना जैकेट बांधता था और उसके चिन पे एक क्रॉस का निशान था। ये सारा चीज़ बाद में चेंज कर और डांजो को दे दिया गया। आप डांजो को भी देख सकते हो, उसके चिन पे भी क्रॉस का निशान है और सिमिलर वो आम्बू का फोर्स का लीडर है। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट था जो इताची के लिए बना रहे थे जो नारुतो के राइटर थे, पर ये बाद में जाकर डांजो को दे दिया गया। चलिए अब मूव करते हैं हम फैक्ट नंबर टू पे। मासाशी किशिमोटो का फेवरेट कैरेक्टर जो अकात्सुकी का था वो इताची उचिहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकात्सुकी जो नारुतो में एक ग्रुप है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह कलेक्ट करना होता है टेन टेल बनाने के लिए। तो जो राइटर है नारुतो के, उनका जो फेवरेट कैरेक्टर अकात्सुकी के मेंबर में है वो इताची उचिहा है। और वो इसलिए क्योंकि इताची उचिहा की जो बैकग्राउंड स्टोरी है और जो मोटिव है अकात्सुकी ज्वाइन करने का, वो काफी यूनिक और काफी मोटिवेटिव है। वेल, हमारा जो फैक्ट नंबर तीन है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ। इताची उचिहा अपने लीफ विलेज एकेडमी का सबसे तेज स्टूडेंट नहीं था। जिन्होंने भी नारुतो एनिमी देखा होगा, जिन्होंने भी नारुतो मूवीज वगैरह देखते हैं, उन्हें पता है कि इताची सिर्फ 8 साल के उम्र में ही एकेडमी में ज्वाइन हुआ था और 9 साल में ग्रेजुएट हो गया और 13 साल की उम्र में वो आम्बू का एक लीडर भी बन चुका था। लेकिन क्या आपको पता है कि इताची अपने लीफ विलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट नहीं था? जी हाँ, इताची से भी तेज था कोई जो लीफ विलेज में उससे भी कम उम्र में बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर चुका था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिनाटो थे, यानी कि फोर्थ होकागे। आपको पता होगा कि जब मिनाटो की डेथ हुई थी और जब नारुतो का जन्म हुआ था, उस समय भी फोर्थ होकागे जो थे वो काफी यंग थे। वेल दोस्तों, अब मूव करते हैं फैक्ट नंबर फोर पे। फैक्ट नंबर फोर में ये है कि इताची कभी लड़ाई करना नहीं चाहता था और इताची जो था वो काफी दूरदृष्टि का था, यानी आगे की सोचता था। जानते हो, मैं ऐसा बोलूंगा कि कभी लड़ाई करना नहीं चाहता था तो आप लोगों में से कई लोग यकीन नहीं करोगे। आप लोग बोलोगे कि इताची ने तो अपने पूरे क्लेन को एक रात में ही खत्म कर दिया था, या फिर उसने तो गुंडे के ऐसे लीग को ज्वाइन किया जो सबसे खतरनाक लीग था। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानो और देखो, रियलाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि उसने अपने क्लेन को इसलिए मारा था ताकि वो एक सिविल वॉर रोक सके, और अगर सिविल वॉर होता तो कितने लोग मरते। देन आफ्टर अकात्सुकी को उसने इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अकात्सुकी ग्रुप पे नजर भी रख सके और लीफ विलेज को अकात्सुकी की सारी इंफॉर्मेशन दे सके। और जब भी आप लड़ाई में देखते होगे कि इताची बहुत लेट से लड़ने आता था, हमेशा बैठा रहता था, तो ये एक चीज़ है जो दिखाती है कि इताची कभी लड़ना नहीं चाहता था, वो शांति प्रिय था एक अलग तरीके से। उसने अपने ऊपर एक बर्डन ले रखी थी जिसे वो कैरी कर रहा था। वेल, पांचवा फैक्ट आप लोगों को हिला के रख देगा, इताची वर्सेस मात्रा। जी हाँ, अगर मात्रा उचिहा और इताची उचिहा के बीच में फाइट होती तो कौन जीतता? जो राइटर है नारुतो के मासाशी किशिमोटो, उनके हिसाब से जब मात्रा अपने पावर के ग्रोन अप यानी राइज अप स्टेज में था, तब इताची उचिहा चाहता तो आराम से मात्रा को हरा देता। लेकिन ऐसा न हो और कहानी में इंटरेस्ट बनता रहे, इसलिए उन्होंने इताची का कैरेक्टर कुछ ऐसा डेवलप किया कि इताची वक्त आने से पहले ही डेथ कर गया था। वेल, अभी तक के जो फैक्ट है जो मैंने बताया कि इताची मादरा को भी हरा सकता था, इतनी ताकत थी उसमें, तो आपको लग रहा होगा कि क्या इताची सबसे ताकतवर निंजा था? वेल, ऐसा नहीं था। उचिहा क्लेन में ही एक और निंजा था जो इताची उचिहा से ज्यादा ताकतवर था। जी हाँ, उस निंजा का नाम था सिसुई उचिहा। आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, नारुतो का जो एनिमे है उसको भी देखा होगा, उसमें भी सिसुई उचिहा के कुछ पावर्स के बारे में बताया गया है, उसकी गेंजुत्सु के बारे में बताया गया है, और जिस तरीके से डांजो ने उसे धोखा दिया था
और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया था, लेकिन उससे पहले सिसुई ने अपना एक आंख इताची को दिया था जिससे इताची का सारिंगन डेवलप हुआ था। तो हाँ, अगर सासुई उचिहा या सिसुई उचिहा जो है, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो जो सिसुई उचिहा है वो रहता तो वो मे बी इताची उचिहा से ज़्यादा ताकतवर होता। वेल, जो नंबर 7 पे हमारा फैक्ट है वो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा, आपने कई बार एनिमे में देखा होगा, इताची कौवों को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, इताची कौवों को कंट्रोल कर सकता है। इनफैक्ट उसने अपने एक क्लोन को कौवे में कन्वर्ट करके नारुतो के अंदर डाल दिया था ताकि जब नारुतो सास्के से फाइट करे तब वो रिवील होके उसकी हेल्प कर सके। तो ये कमाल की फैक्ट है ना दोस्तों, कि नारुतो में जो एक कैरेक्टर है वो कौवों को कंट्रोल कर सकता है, और वो हमारा सबसे ताकतवर कैरेक्टर इताची उचिहा है। चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं हम अपने आखिरी फैक्ट पे, जो फैक्ट नंबर 8 है। उसमें ये है कि इताची उचिहा की एक गर्लफ्रेंड थी, और जिस समय उसने लीफ विलेज में जो उचिहा क्लेन है उसको ख़त्म करने गया था, उस समय वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। जी हाँ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, अपनी गर्लफ्रेंड को एक ऐसे गैनजुत्सु में उसने फंसा लिया था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि उसने इताची से शादी किया है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो बूढ़ी होके इताची के बाहों में अपना दम तोड़ रही है, और वो मरते समय इताची को थैंक यू बोल के मरी थी। सोचो बंदा कितना दर्द सहा होगा उस समय, और फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अपने छोटे भाई को प्यार करता था इताची, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को नहीं मारा बट अपने गर्लफ्रेंड से लेके अपने पूरे क्लेन को, अपने मम्मी पापा सबको मार दिया एक सिविल वॉर रोकने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी फैक्ट्स जो इताची उचिहा के बारे में थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ और फैक्ट्स पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और आप किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सपोर्ट करो यार, मैंने नया अपना चैनल शुरू किया है। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना, लाइक करना, और थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अभी गड़बड़ है, धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।